मिलने वाली है और 2 से 3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस साल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनगांव, रायगढ़, कोरबा में रिकॉर्ड तापमान 46 से 47 के आसपास आ सकता है और वहीं आगामी 2 दिनों में स्थानीय प्रभाव की वजह से कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। साथ ही रायपुर का तापमान 44 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मौसम वैज्ञानिक पीएल देवांगन ने बताया है कि बिहार से लेकर उड़ीसा के अंदरूनी भाग तक के एक द्रोणिका बनी हुई थी जिसके प्रभाव से उत्तर और पश्चिम की ओर से गर्म हवाएं चल रही थी, जबकि दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व से नमी युक्त हवाएं भी आ रही थी और इन दोनों हवाओं का मिश्रण छत्तीसगढ़ में हो रहा था। इसलिए एक तरफ लू की स्थिति लगभग बनी हुई थी और वहीं दूसरी ओर बादल भी छाए रहे थे। ये नमी की उपस्थिति के कारण हो रहा था। विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ ही बारिश भी हुई है। उन्होंने बताया कि आगामी 24 घंटे में प्रदेश में ऐसी ही स्थिति रहेगी। दूसरी ओर बादल भी छाए हुए थे, बादल भी आ रहे थे, ये नमी की उपस्थिति के कारण ही था और इसी के प्रभाव से प्रदेश में कई जगह हल्की वर्षा, विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में वर्षा हुई है और गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली है।